ओम शांति ओम शांति हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि यह जीवन कर्मों पर आधारित है और इसलिए हमें अपने कर्मों के ऊपर अटेंशन देना है और कर्मों पर अटेंशन हम तभी दे सकते हैं जबी हमारे पास कर्मों का यथार्थ ज्ञान हो कर्म की गति कहते हैं अति गहन है और कर्मों के राज को समझना यह एक चैलेंज है साधारण कर्मों को तो हर कोई समझ लेता है बुरे कर्म को भी समझ लेते हैं अच्छे कर्म को भी समझ लेते हैं जो मोटे रूप में है समझ में आ जाता है परंतु कर्मों के अंदर कई ऐसे गुप्त गहराई के और गहन रहस्य जो समाये हुए हैं जो पूर्व कर्मों से पूर्व जन्मों से या फिर हम ये कहें कि जिसको हम विसार चुके हैं जिन कर्मों की हमें विस्मृति हो चुकी है उन कर्मों का भी बहुत बड़ा गहरा राज है इस राज को जिसने समझ लिया वो कभी दुखी नहीं होता लेकिन जो कर्मों की गहराई को और उस कर्मों से होने वाले जो भी हिसाब किताब है या उस कर्मों से होने वाले जो भी सुख दुख हैं, या उन कर्मों से होने वाले जो भी स्नेहपूर्ण संबंध हैं, या फिर उस कर्मों से होने वाली व्यक्तियां प्रिय हैं, अप्रिय हैं और उन प्रिय से जुड़े हुए नाते उन नातों के साथ जुड़े हुए कर्म और अप्रिय व्यक्तियों के साथ भी जुड़े हुए कर्म इन सभी बातों को समझना अति आवश्यक होता है संसार में एक बात बहुत कॉमन रीति से हम सभी के जीवन में देखते हैं और वो है जब जहां हम अपने पन की फीलिंग में रहते हैं जिसके भी प्रति तो फिर हमारे अंदर दुख की अशांति की ईर्ष्या की द्वेष की या ऐसी कोई भी नकारात्मक भावनाएं इतनी नहीं रहती जितनी किसी को पराया समझने पर होती है पराया समझना भी कईयों का तो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है कि ये हमारे साथ अपने पन का व्यवहार नहीं करते इनके लिए जैसे हम पराए हैं हाँ, गलत फहमी के शिकार भी हो सकते हैं परंतु फिर भी अपनापन भी स्पष्ट नजर आता है और अपनापन नहीं वह भी स्पष्ट दिखाई पड़ता है उनको दिखाई पड़ता है जिन्होंने विवेक युक्त बुद्धि से कर्म के ज्ञान को कर्म की गहराई को कर्म के राज को और कर्म के रहस्यों को समझा है उसकी गहन गति कहा वो भी स्वयं भगवान वाच तो गहन गति का मतलब क्या हुआ गहन माना अति गहराई में जाना तो जिसकी गति अति गहरी है यानी जिसकी समय की चाल कहो उसके करने की क्रिया की चाल कहो उसकी सोचने की चाल कहो जो भी कहो गति माना चलना बढ़ना करना क्रियान्वित होता है तो क्रियान्वित ये गति की निशानी है अगर कोई क्रियान्वित नहीं तो वो गति में नहीं ऐसा कहा जाएगा तो जहां अपने होते हैं वहां कर्मों की गति का हम ज्ञान आगे नहीं लाते वहां ये सोचना नहीं पड़ता कि मेरे इस कर्म की मुझे क्या गति यानी आगे उसका फल मुझे क्या मिलेगा प्रतिक्रिया उसकी मेरे साथ क्या होगी क्योंकि अपने हैं तो जब अपने हैं तो अपन बिंदास्त होते हैं यानी निर्भय होते हैं पर जहाँ कोई बेगाना होता है पराया होता है अपना नहीं होता वहां सुख्यम में हम थोड़ा उसके प्रति भयभीत रहते हैं उसके प्रति भयभीत माना उनके स्वभाव के प्रति उनके संस्कार के प्रति और उनके प्रतिभाव के प्रति उनकी प्रतिक्रिया के प्रति हम भयभीत रहते हैं जैसे जो अपने होते हैं उनको अगर हमें गुस्सा करना है तो हम सहज कर लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि वो व्यक्ति यदि गुस्से में नाराज हो भी जाएगी तो दूसरी ही पल वो मेरी अपनी है तो हम दोनों एक दो के गले लग जाएंगे परंतु जहाँ व्यक्ति पराई है वहाँ गुस्सा करने के लिए सोचना पड़ता है या गुस्सा कर बैठते हैं या गुस्सा करते हैं तो सोचना पड़ता है कि इसको बुरा लगा होगा तो इसने क्या सोचा होगा और ये फिर प्रतिक्रिया क्या देगा प्रतिभाव इनसे क्या मिलेगा इसका बदला तो वो नहीं लेगा कई प्रकार की बातें मन के अंदर चलती है और उसमें भी यदि उस व्यक्ति की हमें आवश्यकता होती है तो उस आवश्यकता की व्यक्ति को हम जल्दी गुस्सा करेंगे नहीं डर के मारे क्योंकि कहीं हम गुस्सा करें और वो हमारे संबंध में उसको जो कर्म या क्रिया करनी है कहा वो छोड़ देंगे तो परंतु जहा अपने होते हैं वहां हम उनके लिए निश्चयात्मक होते हैं जिनमें अपनेपन की फीलिंग की परसेंटेज होती है वहां हम निश्चयात्मक भी कम होते हैं भय भी परसेंटेज में रहता है और उनके प्रति कोई भी कर्म या क्रिया करने के पश्चात हमें अवश्य सोच भी अपने भाग्य के लिए या प्रतिक्रिया के लिए चलता जरूर है अपनी आवश्यकता में कमी पड़ेगी तो वो आवश्यकता की कमी कौन भरेगा इसकी चिंता सुखम में रहती अवश्य है और इसीलिए हम अपनों के साथ कोई भी व्यवहार करने में हिचकते नहीं है आपस में लड़ झगड़ लेते हैं आपस में एक दो को मारपीट भी कर लेते हैं गाली गलोच भी कर लेते हैं नाराज भी होते हैं परंतु ये सब नकारात्मकता नकारात्मकता के साथ साथ हम उनके प्रति कई गुना सकारात्मक भी रहते हैं छोटी छोटी बातों में छोटी छोटी खुशियों में हमें उनके बिगर वो खुशियां अच्छी नहीं लगती हम हर खुशी में हर सुख की बात में हम उनको याद करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमारी हर खुशी में हमारे हर सुख में उसकी हाजिरी आवश्यक है अगर वो व्यक्ति हाजिर नहीं तो हम उसको मिस करते हैं बेगानों को परायों को हम मिस नहीं करते अपनों को मिस करते हैं जो भी हमारे जीवन के अंदर सकारात्मकता आती है अच्छी बात आती है अच्छा गुण आता है अच्छी शक्ति से हम भरपूर होते हैं या अच्छी प्राप्तियां होती है चाहे भौतिक पदार्थों की चाहे सुखम में हमें अपनी वह व्यक्ति यानी जिनमें हमारा अपनापन है जरूरी नहीं कि वो अपनापन ब्लड कनेक्शन वाली व्यक्ति से ही हो ब्लड कनेक्शन वाली व्यक्ति भी हमारे लिए पराई होती है या हो सकती है या हो जाती है परंतु कई पराई व्यक्तियां जो हमारी होती हैं, हमारे लिए होती हैं, और हमें वो सुखदाई होती है और इसीलिए वो हमारे हर सुख दुख को ऐसे अनुभव करती हैं, जैसे हमारे सुख दुख उनके सुख दुख है तो जो व्यक्ति सुख दुख हमारे खुद महसूस करती हो वो व्यक्ति हमें अपनी व्यक्ति लगती है परंतु जिस व्यक्ति को हमारे सुख दुख की इतनी पड़ी नहीं जिसको सिर्फ अपना ही सोच चलता है जिसको सिर्फ अपने ही कर्म के प्रति ध्यान है अपनी ही क्रिया जिसको करनी होती है वो कभी भी अपने पन को स्वीकार नहीं कर सकते किसी को अपना बना नहीं सकते उनके हर उनके हर कर्म उनकी हर क्रिया एक जैसे कोई सेवक होता है सेवा करता है और सेवा का फर्ज निभाता है ऐसे वो व्यक्ति सिर्फ सेवा का फर्ज निभाता है और एक होता है फर्ज के साथ साथ उस फर्ज को अपना धर्म समझता है अपना कर्म समझता है अपना कार्य समझता है अपना कर्तव्य समझता है और उसको करना आवश्यक है उसके बिगर, उसके जीवन की जो पूर्णता है उस पूर्णता में कुछ कमी उसको महसूस होती है तो ये दोनों बातों में बड़ा फर्क है अपना किसे कहना और पराया किसे कहना अपनेपन की फीलिंग और परायेपन की फीलिंग भले कोई दिखाएगा नहीं कि आप हमारे लिए पराए हो कोई ये भी नहीं दिखाएगा कि आप हमारे लिए अपने हो परंतु कर्म का राज हमें उनकी एक्टिविटी से उनकी चाल चलन से उनके बोल चाल से उनके नैनों से उनके चेहरे के हाव भाव से समझने होते हैं और वो भी एक्यूरेट नहीं तो गलत फहमी के शिकार हो करके हम खुदी खुद ही खुद को खुद का नुकसान कर बैठते हैं जो अपने होते हैं उनको हम पराया समझ बैठते हैं और जो पराए होते हैं उनको हम अपना समझ बैठते हैं बातें तो बहुत है फिर कभी दोबारा इसकी गहराई में मैं आपको बहुत कुछ बताना चाहती हूँ आज इतना ही